अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ हाजीपुरा डस्का रोड के ऊपर और कोठी स्कूल का ये फुटपाथ है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ जो है वो एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल से ज़्यादा उम्र है और ये लंडे के जो शूज़ हैं वो बेचते हैं। और जब हमने इनसे बात की तो ये जो है तकरीबन इनके मुताबिक ये सिर्फ 100 से 150 रुपया जो है वो कमाते हैं। दो इनके बेटे हैं और उन बेटों की शादी हो चुकी है और वो अलहदा रहते हैं और अपना जो है वो घर का ख़र्चा चलाने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। इनकी एक बेटी है जो इनके जुमे फ़र्ज़ है, उनकी भी इन्होंने शादी करनी है और इनकी बीवी है और ये खुद हैं। ये घर का सारा ख़र्चा उठाते हैं और ये एक छोटे से स्टॉल के अंदर से। हम इनसे बात करेंगे कि इनको क्या क्या मुश्किल पेश आ रही हैं और ये कितना का कमा लेते हैं और क्या आया इनका घर का खर्चा चल भी रहा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खुर्शीद मसी। कितनी देर हो गई जे शूज सेल कर दें? 3 साल करीबन। 3 साल? 3 साल तो ऐसे ही बह रहे हो जी। ते कोई बचत शतत होंदी है? बचत शतत जे बूढ़े निकल तो फिर ते बचत तो नहीं ना भी करते फिर ऐसे बूढ़े। कितने लेंदे हो या सारे शूज? पठाना को। पठाना कलों लेके आंदे हो जी? ते कोई एनी उम्र तुम्हारी कितनी होगी? उम्र कोई 60 साल। 60? 60 साल हो गई। ते की वजह तुसी 60 साल भी हो गया ते इत्थे बैठ के जरा कर रहे हो? बस ते वेला की क्या करता है। हां की फायदा, चलो आरे लगे मजदूरी, बच्चे भी ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ। ਬੇਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਨੇ? ਆ ਬੱਚੇ ਲੈਦੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, 1100-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕੁਤੀ ਮਿਲ, ਚੀਨੀ 500 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਮਿਲ ਜਾ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਦੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਦੀ ਕਦੀ 2-4 ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ 5-6 ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੋ ਬੜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ 5-4 ਬੂਟ ਵਿਕਦੇ, ਕੋਈ 300 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦੇ ਮੰਮੀ, 5-6 ਬੂਟ ਵਿਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ 5-6 ਵਿਕਦੇ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਬਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ 1-2 ਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਕਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮੌਸਮ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜਾ 100-150 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ 6 ਬੂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ 200-250 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ। ਹਮਾਰਾ ਪਾਂ ਵੀ ਘਾਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਅੰਗੂਠਾ ਘਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ। अच्छा, हाँ, एक अंगूठा भी काटा हुआ जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे खुर्शीद मसीह, ये बुज़ुर्ग का नाम है और ये हाजीपुरा रोड, हाजीपुरा डस्का रोड कोठी स्कूल का जो फुटपाथ है उसके ऊपर बैठे होते हैं और ये इन्होंने तकरीबन 20-30 शूज़ों का, एक जो लंडे के शूज़ हैं उनका स्टॉल लगाया होता है। और अगर आप इनकी हेल्प करना चाहें किसी भी किस्म की तो आप यहाँ पर आके जो है वो विज़िट कर सकते हैं और इनका जो स्टॉल है वहाँ से कोई चीज़ भी ख़रीद सकते हैं और इनकी मदद भी कर सकते हैं। सियालकोट के मतलब मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।